सरकार के निर्देशानुसार काफी एप्स ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसके कारण अब आप ये एप्स डाउनलोड या इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो गाइस अभी आपने सुना कि एयरटेल के कस्टमर केयर ने क्या कहा। तो गाइस सच में क्या फ्री फायर बैंड हो गया है? तो क्या फ्री फायर अब कभी दोबारा ओपन नहीं होगा? मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग के सारे सवालों के जवाब बताऊंगा। तो गाइस मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूं कि ये सब शुरू कब हुआ। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोग को इसका आंसर पता होगा कि गोल्ड रॉ इवेंट के आने की वजह से सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा पड़ा, इसलिए सर्वर जो है डाउन हो गया और हमारा जो गेम है ओपन ही नहीं हो रहा था। और उसके बाद हम लोग को पता चला कि फ्री फायर सिर्फ जियो की सिम और वाईफाई लेने से ही ओपन हो रहा था और दूसरे सिम से नहीं ओपन हो रहा था। पर गाइस कल रात को मैं फ्री फायर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था और मेरा फ्री फायर ओपन भी हो गया था एयरटेल सिम से। और उसके बाद हम लोग को पता चला कि फ्री फायर जो है एप्पल स्टोर से रिमूव हो चुका है, फ्री फायर जो है एप्पल के स्टोर से हट गया है। और उसके बाद करीबन कल रात के टाइम जो है फ्री फायर जो है प्ले स्टोर से भी रिमूव हो चुका है। मतलब कि अभी अगर आप लोग प्ले स्टोर पे जाके फ्री फायर सर्च करेंगे तो वहां पर आप लोग को फ्री फायर नहीं देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ फ्री फायर मैक्स देखने के लिए मिलेगा। प्ले स्टोर से फ्री फायर को हटा दिया गया है जैसे कि एप्पल स्टोर से हटाया गया था। इन सब से तो यही लग रहा है कि फ्री फायर शायद से अब बैंड हो गया है और कुछ ही टाइम में फ्री फायर मैक्स भी प्ले स्टोर से हट जाएगा। और इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है, लग रहा है कि फ्री फायर अब बैंड हो गया है। लेकिन सच क्या है रुकिए मैं आप लोग को बताता हूँ, उससे पहले आप लोग ये छोटा सा एक क्लिप देखिए। गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है, वो काम नहीं कर रहा सर। तो कब तक चालू सर, सबको पता? अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो काम नहीं करेगा सर। कभी नहीं काम करेगा सर। जियो के सिम क्यों चल रहा है? देखिए आज ही बैन करा रहे, प्रोसेसिंग में अगर कुछ जगह चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा सर। ओ सर, तो सर कोई बैन नहीं है इसका? नहीं, तो कुछ भी नहीं हो सकता, बैन कर दिया गया। तो गाइस अभी आप लोगों ने क्या सुना कि कोई बंदा जो है कस्टमर केयर से बात कर रहा है कि फ्री फायर बैंड हो गया है और अभी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फ्री फायर जो थोड़ा मोड़ा जियो की सिम और दूसरे सिम से चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। और अब आप लोग को लग रहा होगा कि फ्री फायर को कोई नहीं बचा सकता, अब तो फ्री फायर गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुनिए कि कुछ दिनों पहले जो है पेटीएम भी जो है फ्री फायर की तरह ही प्ले स्टोर से रिमूव हो गया था और दो चार दिन में दोबारा वापस आ गया था। और ये सिर्फ टेक्निकल इश्यूज के कारण होता रहता है। और आप लोग को पता होगा कि WhatsApp, Facebook, Instagram भी इसी तरह जो है उनका भी सर्वर जो है डाउन हो गया था और वो सारे ऐप जो है काम नहीं कर रहे थे सही से। इसी तरह से अपने फ्री फायर का भी जो है सर्वर डाउन हो गया है और ये बहुत बार हुआ है सर्वर डाउन फ्री फायर का। और ये बहुत ही आम बात है कि फ्री फायर का सर्वर जो है डाउन हो गया है। चिंता का सबसे मेन कारण है कि फ्री फायर जो है रिमूव हो गया है, पहले एप्पल स्टोर से और प्ले स्टोर से भी रिमूव हो गया है फ्री फायर। पर इससे भी कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि अभी ऑफिशियली कहीं भी अभी ये नहीं बताया गया है कि फ्री फायर जो है बैंड हो गया है। अभी सिर्फ जो है यूट्यूब पे ही चल रहा है कि जो है फ्री फायर बैंड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। ऑफिशियली अभी कहीं नहीं बताया गया है कि जो है फ्री फायर बैंड हो गया है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को क्या लगता है कि फ्री फायर बैंड होगा कि नहीं। और आगे मुझे जो भी पता चलेगा मैं आप लोग को वीडियो बना के उसके बारे में बता दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।